बाली जी बड़ा अच्छा लगता है आपने बॉलीवुड को जौनपुर में उतार दिया, क्या कहना चाहेंगे? सुनील शेट्टी को आपने जौनपुर में उतार दिया, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है कि मैं चाहता हूँ कि फिल्मी हस्तियों को हमारे गांव में भी देखा जाए। और सुना है सलमान खान को भी आपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट किया है अपनी भतीजी के? हाँ किया है मई में। तो आप भोजपुरी समाज से हैं, तो भोजपुरी के एक्टर या एक्ट्रेस या सिंगर क्यों नहीं ले जाते हैं या ले गए हैं? क्या क्या कुछ राग ले गए हैं? विनय आनंद जी को लेके गए हैं, सोनाली इंदु सोनाली को लेके गए, पुष्पलता जी को लेके गए, अंजना सिंह को लेके गए, और उसके बाद अभी सेविका दीवान को लेके गए। रवि किशन भी आपके जौनपुर से ही हैं, उनके विषय में क्या राय है आपकी? क्या वो तो हमारे उत्तर प्रदेश की भूमि को जो है चमका दिए, पूरे विश्व में उनका डंका बसता है। हमारा हमारे शहर का हमारे गांव का नाम बहुत बड़ा रोशन किए, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं होता कि मैं उनको कभी मिल पाऊँ। मिलना चाहेंगे आप रवि किशन? बिल्कुल मिलना चाहेंगे, और जरूरत पड़ी तो जरूरत क्या, उनको तो हमारे घर जैसे हैं, उनको चाहेंगे कि एक बार आके हमारे यहाँ भी प्रोग्राम करें, क्योंकि वो हमारे जिले से हैं। तो जिले में नहीं, उनका तो पूरे विश्व में नाम है, बहुत महान कलाकार है। हिंदी बोलो बोलिए, साउथ का फिल्म बोलिए, चाहे भोजपुरी बोलिए, कोई भी फिल्म बहुत अच्छे से, और उनके फिल्म देखते भी हैं, उनके हुए मनोज तिवारी जी के हुए भोजपुरी फिल्म दबंग चैनल हम दिन भर में एक बार देख ही लेते हैं। गंगा तो भोजपुरी से कितना प्यार है आपको, कितना लगाव है? अरे भोजपुरी की मट्टी तो पूरे विश्व महकती है, तो मेरे शरीर मेरा एक शरीर में पूरी भोजपुरी भरा है, तो भोजपुरी से बहुत प्यार करते हैं। सुना है आगामी समय में आप भोजपुरी फिल्मों का निर्माण भी कराने वाले हैं? हाँ, एक ध्यान पिक्चर बना रहे हैं हम, जैसे कि उसमें ले रहे हैं अजय देवगन को, लेकिन चालू है हमारे रवि दीवान जी उनके थ्रू चालू है। तो इसकी शूटिंग कहाँ, जौनपुर में करवाएंगे? जौनपुर में हम जो भी करेंगे हमारे भूमि पे करेंगे। चलिए, हमारा चैनल है सेम भोजपुरी चैनल, सेम भोजपुरी चैनल के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि भोजपुरी एक बहुत अच्छी, बहुत मीठी, बहुत प्यारी भाषा है, इसको मत भूलिए। भोजपुरी या भोजपुरी के साथ रहिए तो अच्छा लगेगा।